गाइज आज मैं आपको एक ऐसी ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम दिखाने वाला हूँ जो कि एक्चुअल में पिक्सेलेटेड होने के बावजूद भी आप अपने दोस्त के साथ ऑनलाइन खेल सकते हैं। और इस गेम का नाम है पिक्सल डेंजर जोन बैटल रॉयल और ये बस 110 MB की गेम है और प्ले स्टोर पे भी इसको तगड़ी रेटिंग है 4.3 स्टार। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड अगर ऑनलाइन हो आपका तो आप यहाँ पर उसे इनवाइट कर सकते हैं और आप साथ में खेल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक ही सर्वर है ग्लोबल सर्वर, तो आप ग्लोबल प्लेयर्स के साथ यहाँ पर चैटिंग भी कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ टीम बनाकर ये गेम खेल सकते हैं। इसमें आपको दो मोड्स देखने को मिलेंगे, एक क्लासिक बैटल रॉयल और जॉम्बीज अटैक। तो फिलहाल हम बैटल रॉयल मोड है वो थोड़ी देर बाद खेलेंगे, सबसे पहले हम जॉम्बीज अटैक मोड खेलेंगे। इसमें होता ये है कि दो टीम होती है, एक तो जॉम्बीज की टीम और दूसरा ह्यूमंस की टीम। जो टीम एंड तक सर्वाइव करेगी वो टीम यहाँ पर जीत जाएगी। और अभी मैं यहाँ पर जॉम्बी हूँ और सामने एक ह्यूमन रियल प्लेयर है। तो इसी तरह से आपको सारे मैप में ह्यूमन प्लेयर्स को ढूंढकर उन्हें मार देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये रियल प्लेयर को अभी ख़त्म कर देता हूँ तो ये यहाँ पर मर जाता है और मरने के बाद ये अपने जॉम्बी में आ जाता है, मतलब जॉम्बी टीम में आ जाता है और ये भी एक जॉम्बी बन जाता है। तो ये भी अभी ये ह्यूमंस प्लेयर को ढूंढकर ख़त्म कर देगा। और इसी तरह जैसे मैं सारे प्लेयर्स को मारकर जॉम्बी में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर जॉम्बी की टीम में होने की वजह से मैं यहाँ जीत जाता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं ऑनलाइन बैटल रॉयल मोड की। तो यहाँ पर ये इसकी वेटिंग लॉबी है और सबसे कमाल की बात यह है कि वेटिंग लॉबी के अंदर ही आप एनिमीज़ को मार भी सकते हैं। मतलब आपको जो वेटिंग लॉबी में वेट करने के लिए कहा जाता है उसके अंदर भी आप यहाँ पर फन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी सामने वाले प्लेयर्स को यहाँ पर छुप छुप के मार रहा हूँ। और यहाँ राइट साइड में आपको ऑटो अटैक का भी ऑप्शन मिलता है तो आप उसे ऑन करके रखना। और जैसे आपका वेटिंग टाइम ख़त्म हो जाता है आपको यहाँ पर स्पॉन पोजीशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें अभी यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है ग्रीन कलर में और बाकी जो एनिमीज़ है वो अपने आप ही रेड कलर में यहाँ पर आ जाते हैं और वो भी अपनी पोजीशन सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी इस गेम का काफ़ी सही है, मतलब FPS गेम होने के बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेम है। और जैसे आपको यहाँ पर स्पॉन पोजीशन सिलेक्ट हो जाता है आपको यहाँ पर गेमिंग आइलैंड पे यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया जाता है पिंजरे में और जैसे आपका दरवाज़ा यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपकी गेम यहाँ से रियली शुरू हो जाएगी। और ये गेम हर एक मोबाइल में इतनी स्मूथली चलती है कि आपको कहीं पर भी ये गेम अटकती हुई दिखाई नहीं देगी। और इसके बावजूद ये गेम पिक्सेलेटेड कैरेक्टर्स में, लेकिन बाकी के जो एनिमेशन वगैरह है गन्स और गन के साउंड इफेक्ट्स वगैरह वो काफ़ी रियलिस्टिक है और वो पिक्सेलेटेड देखने को नहीं मिलते। और मेरे मोबाइल में भी ये गेम काफ़ी स्मूथली चल रही है। अभी यहाँ पर जोन आ गया है और इनका जोन काफ़ी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया था, मतलब ये डेंजर जोन वाकई में डेंजर जोन लग रहा है। और अभी मैं इस एनिमी को मार रहा हूँ लेकिन मेरा निशाना इतना ख़राब है कि इसको गोली नहीं लग रही मेरी एक भी। तो अभी पिस्टल से उसको शूट कर देता हूँ और एक गोली शायद से उसको लगी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको एक गोली लगी है। अभी मैं उसको मार देता हूँ और एक दूसरी गोली भी उसको लग गई है लेकिन फिर भी वो नहीं मरा और ये छुप के बैठा है यहाँ पर और यहाँ पर वो मर गया। हालांकि अभी मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई है और जोन भी काफ़ी दूर है तो जल्दी जल्दी जोन पकड़ लेता हूँ। अभी मैं जोन के अंदर आ गया हूँ लेकिन यहाँ पर मुझे दिख गया है एक दूसरा एनिमी और मेरी हेल्थ तो इतनी कम है कि मैं शायद से एक गोली में ही ख़त्म हो जाऊँगा। लेकिन ये एनिमी तो भाग रहा है और ये देखो इनका सेफ जोन भी काफ़ी ख़तरनाक तरीके से आ गया है और अभी मुझे चांस है इसको मारने का तो मैं इसको मार देता हूँ और जल्दी से यहाँ से जोन में जाता हूँ। और एक और एनिमी जोन में जा रहा है और मुझे भी जोन में जाना है, मेरी हेल्थ बहुत ही कम है और मेरे पास मेडिकेट भी नहीं है तो मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। तो ये दो शॉट तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पड़े, अब बस ये मुझे मार ना दे। और मेरी हेल्थ बहुत कम थी और ये मुझे मार दिया। और मरने के बाद भी आप बाकी प्लेयर्स को स्पेक्टेट कर सकते हो। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, जैसे हम नए नए गेम्स के वीडियोज इसमें डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी।